सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है और होने के बाद इसके बॉडी में किस तरह के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और हाँ, वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं चार ऐसी होम रेमेडी जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल ठीक कर देंगी। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है जिस प्रोसेस में बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को एज ए स्टूल बॉडी से बाहर निकालती है ऑन अ डेली बेसिस। बट अगर उसी स्टूल को बॉडी हफ्ते में 3 बार से भी कम बॉडी से बाहर निकाल पा रही है तो इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है। होता क्या है, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जब फूड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होके गुजरता है तो वहां पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद जो सेमी लिक्विड फॉर्म होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बोलते हैं स्टूल। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उस केस में आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड जो है वो बहुत स्लोली मूव करता है, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को अधिक समय मिल जाता है और वो सेमी लिक्विड फॉर्म में से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपका स्टूल जो है वो बहुत सॉलिड और हार्ड हो जाता है और उसको बॉडी से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फाइबर, मेडिकेशन, इरेगुलर स्लीप, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एक्सेसिव इनटेक ऑफ मिल्क एंड चीज, चेंज इन रूटीन, प्रेगनेंसी एंड अंडरलाइन डिजीज। अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो आप बहुत टायर्ड फील करने लगोगे, आपके बाल और स्किन खराब होने लगेंगे, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगेगी और यहां तक कि आपको अल्सर भी हो सकता है, आपका वेट गेन होने लगेगा और अगर समय रहते कॉन्स्टिपेशन को क्योर ना किया जाए तो उस केस में आपका लिवर और अदर इंटरनल ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं उन चार होम रेमेडीज के बारे में जो आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने में हेल्प करेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक समय पर आप कोई भी एक रेमेडी को ही यूज करें। फर्स्ट होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, काला नमक, हल्दी, सौंठ और पुदीना पाउडर। पैन में 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच साबुत धनिया डाल के थोड़ा भून लें। ठंडा होने पर मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर बना लें। अब उसमें ऐड करें 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंठ और 1 चम्मच पुदीना पाउडर। इस पाउडर को आपको रात को सोने से पहले कंज्यूम करना है, जिसके लिए 1 ग्लास गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच पाउडर डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। 10 मिनट के लिए इसको रखा रहने दें और थोड़ा ठंडा होने पर इसको कंज्यूम करें। यह पाउडर कंज्यूम करने के 4 से 5 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा, जिसमें आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने के लिए सेकेंड होम रेमेडी में आपको जरूरत पड़ेगी प्रून्स की, जो कि होते हैं सूखे आलू बुखारे, और कैस्टर ऑयल की। 1 बाउल में 4 से 5 प्रून्स लें, उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करें और 1/4 कप गर्म पानी डालकर उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद प्रून्स को उसी पानी में अच्छे से मैश कर लें।
इस मिक्सचर को आप 2 से 3 दिन फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। फॉर बेस्ट रिजल्ट, 1 चम्मच रात को सोने से पहले आप ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ कंज्यूम करें। प्रून्स में होता है सॉर्बिटॉल, जो कि एक शुगर अल्कोहल है जिसका लेक्सेटिव इफेक्ट होता है, और कैस्टर ऑयल भी एक लेक्सेटिव है, इसीलिए ये रेमेडी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही असरदार है। थर्ड होम रेमेडी जो आप ट्राई कर सकते हो, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी जिंजर और मिंट लीफ की। पैन में 1 कप पानी लें, उसमें ऐड करें थोड़ा ग्रेटेड जिंजर और थोड़े मिंट लीव्स। अब उसे बॉईल करें फॉर 5 मिनट्स और कप में छान लें। इस रेमेडी को आप बनाकर दिन में 2 बार कंज्यूम करें। अदरक को वार्मिंग हर्ब भी कहा जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट बढ़ती है और आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है, और मिंट लीव्स आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ होम रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको बनाने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी वो है कैस्टर ऑयल, नींबू का रस और नमक। 1 ग्लास ल्यूकवॉर्म वाटर में ऐड करें 1/2 चम्मच नींबू का रस, चुटकी भर नमक और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। फॉर बेस्ट रिजल्ट, इसको आप सुबह एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैस्टर ऑयल एक लेक्सेटिव है। इसी के साथ नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, इसीलिए ये पानी पीने से आपको बहुत जल्दी असर दिखने लगेगा। इन रेमेडीज के साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जितना हो सकता है चिल्ड वाटर अवॉइड करें, खाने को अच्छे से चबाकर खाएं, अवॉइड रेफ्रिजरेटेड फूड, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, ईट मोर होल ग्रेन्स, कंज्यूम अजवाइन, रात को सोने से पहले हल्दी दूध पिएं, जितना हो सकता है टी और कॉफी को अवॉइड करें। अगर हो सकता है तो सुबह उठ के खाली पेट तांबे के जग में रखा हुआ पानी कंज्यूम करें, और जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छिलके के साथ खाया जा सकता है उनको छिलके समेत ही खाएं। कोई भी रेमेडी को आप बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मैं इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।